Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to our excellent e-learning program. Aziz talba, aaj ka hamara mauzu lesson number 1 ki text reading hai. Isse pehle wale session mein hum is hi lesson ke main points ko tafseel ke sath discuss kar chuke hain, lekin लेसन को मुकम्मल तौर पर और सही तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके टेक्स्ट की अवेयरनेस भी हो. टेक्स्ट को पढ़ते हुए हमारा एम्फसिस या अप्रोच ये रहेगी कि तर्जुमा नहीं करना उर्दू में, और उसकी वजह यकीनन आप अब तक जान चुके होंगे कि आपके पार्ट सेकंड में आपके लेसन्स की उर्दू में ट्रांसलेशन शामिल नहीं है. तो ये बात हम अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में भी कर चुके हैं. तो तर्जमा नहीं होगा, बल्कि हर पैराग्राफ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देने की कोशिश की जाएगी, और उस पैरा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पॉइंट आउट किया जाएगा, और फिर हर पैराग्राफ के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं या वोकेबलरी है जिनके सिनोनिम हम तवक्को कर सकते हैं कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको पॉइंट आउट किया जाएगा. तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, या लेसन प्लान कह लें. तो एक बात मैं फिर दोहरा दूं, देर वुड बी नो ट्रांसलेशन, एक बात होगी. दूसरी बात ये है कि चूंकि लेसन जो हैं खासे बड़े हैं, कुछ ज़ाहिर मुख्तसर भी हैं कुछ बड़े हैं, तो सारे पैराग्राफ्स को हम स्टडी नहीं करेंगे. जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा. तो ये दो पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखते हैं. तीसरी बात ये है कि टेक्स्ट इस सेशन या लेक्चर को वॉच करते हुए आपकी बुक का टेक्स्ट आपके सामने होना चाहिए, ताकि आप लोग हमारी कही हुई बात को समझ पाएँ. टेक्स्ट के बगैर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी. अगरचे ये बात ऑब्वियस है, लेकिन बाज़ तालिब इल्म थोड़ा सा केयरलेस होते हैं, वो इस तरह की बिल्कुल ऑब्वियस और कॉमन सेंस बातों की तरफ भी तवज्जो नहीं देते. तो अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ. पहला जो हमारा पैराग्राफ है, अगर आप रिकॉल करें, तो इसमें सर जेम्स जीन्स हमें ये बता रहे हैं कि इस कायनात में सितारों की तादाद कितनी है और हर सितारे का साइज़ कितना है. तो अब मैं रीड आउट करता हूँ कि अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ. ये पहला जो जुमला है इसके जितना हिस्सा मैंने रीड आउट किया है, ये दिलचस्प है. इसमें ये कहा गया है कि पूरी कायनात के अंदर जितने भी सितारे हैं उसमें बहुत कम ऐसे सितारे हैं जो ज़मीन से थोड़े से बड़े हैं. इन अदर वर्ड्स मफहूम ये बनता है कि कोई भी सितारा ज़मीन के ना बराबर है ना ज़मीन से छोटा है, बल्कि सारे के सारे सितारे जो हैं साइंस की तहकीक के मुताबिक वो ज़मीन से बड़े हैं. लेकिन वो जितने भी हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो साइज़ के एतबार से ज़मीन से थोड़े से बड़े हैं. फ़र्ज़ कर ले कि ज़मीन इतनी है, तो हो सकता है वो इतने हों. गोया ज़मीन के साइज़ और सितारे के साइज़ में डिफरेंस कम है, लेकिन बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज. लेकिन ज़्यादातर यानी चंदे को छोड़कर आटे में नमक के बराबर तादाद जो है, या उनको छोड़कर ज़्यादातर इतने बड़े हैं दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अस कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर. तो जुमले का यह हिस्सा हमें बता रहा है कि हम लाखों ज़मीनें जो हैं एक सितारे के अंदर पैक कर सकते हैं और फिर भी जगह बच जाएगी. यहाँ पर आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलानी है, ये जो फ्रेज़ है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अस, इसकी तरफ अगरचे नाउन्स की डिस्कशन में हम इस बात को दोबारा से दोहराएंगे तफसील के साथ. फौरी तौर पर आपके जहन में ये रहना चाहिए कि ये जो इस तरह के अल्फाज हैं, डजन है, स्कोर, स्कोर बीस की तादाद को कहते हैं, हंड्रेड है, थाउजेंड है, बिलियन है, मिलियन है, ट्रिलियन है, वगैरह वगैरह, आप इनको दो तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं.
एक तरीका क्या है कि इनसे पहले कोई स्पेसिफिक नंबर हो, जैसे कि 50,000, अभी मैं उर्दू में ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं, 55,000, 1,000,000, 10,000,000 वगैरह वगैरह। दूसरा क्या है कि इनसे पहले कोई स्पेसिफिक तादाद ना हो, जैसे आप उर्दू में कहते हैं हज़ारों, लाखों, करोड़ों, दर्जनों। तो इन दोनों सूरतों में ग्रामर मुख्तलिफ है। अगर इससे पहले कोई स्पेसिफिक नंबर हो, जैसे अभी मैंने बोला कि 50,000 लोग, तो अब आप हज़ार को यानी थाउजेंड को इंग्लिश में प्लूरल नहीं बनाएंगे, आप कहेंगे 50,000 people, 50,000s नहीं कहेंगे, दैट वुड बी इनकरेक्ट। लेकिन फ़र्ज़ करें आप कहें कि हज़ारों लोग, अब आप देखें कि कितने हज़ार लोग, ये बात, इस बात का जिक्र इस फ्रेज़ में नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, अगर हज़ार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो उसको प्लूरल बनाना है, यानी थाउजेंड्स करना है, और उसके बाद ऑफ यानी ओ एफ ऑफ जो है उसका इजाफा करना है। तो ये अक्सर तालिब इल्म इस मामले में गलती करते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया। तो जब हम कहेंगे लाखों सितारे, अगर सबक या लेसन के हवाले से एग्जांपल दी जाए, तो इट मींस मिलियंस ऑफ स्टार्स। अब गौर करें, मिलियन को हमने प्लूरल इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑव लगाया, और स्टार को भी प्लूरल किया, स्टार्स नहीं कहा। ये वो कॉमन एरर्स हैं जब आप इस किसी भी लेसन से मुतल्लिका जवाब देते हुए अगर इस तरह का कोई फ्रेज़ आ जाए तो अक्सर तालिबे इल्म करते हैं। आपने सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद किया होता है, लेकिन अनलकीली इस छोटी सी बात की वजह से आपका कम अज़ कम एक मार्क जो है वो आपकी क्रेडिट से निकल जाता है, तो वो सारे का सारा आपका क्रेडिट ज़ाया हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच एंड लीव रूम टू स्पेयर। यहाँ पे रूम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो रूम कमरे के मानों में नहीं है। ऑब्वियसली एक मानी रूम का कमरा है, दूसरा मानी क्या है जी, जगह। और इन मानों में भी ये रूम का लफ्ज़ जो है करेक्शन में आपके लिए आता है। आपको याद होगा कि हमने पहले सेशन में कहा था कि करेक्शन जो है 5 marks की आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर दी जाएगी। तो रूम के एक मानी जगह के भी हैं। मिसाल के तौर आप कहते हैं कि इस बस में या ट्रेन में कोई जगह नहीं, तो आप कहेंगे देर इज़ नो रूम इन दिस बस या कंपार्टमेंट। आप स्पेस नहीं कहेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मफहूम सादा है कि भाई इतने बड़े हैं ये सितारे कि लाखों ज़मीनें भी आप पैक करें तो फिर भी जो है जगह बच जाएगी। हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अस। हियर एंड देयर क्या जी, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हमें एक इतना बड़ा सितारा नज़र आता है जिसमें करोड़ों ज़मीनें पैक की जा सकती हैं। पहले थाउजेंड्स एंड मिलियंस की बात हुई थी, अब क्या है जी, आप जो हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स इसमें पैक की जा सकती हैं। इसका मतलब है करोड़ों ज़मीनें, इतना बड़ा है। इसमें आप देखें एक लफ्ज़ जो है आखिर पे, हम दोबारा जो मुश्किल अल्फाज हैं या वोकेबलरी है या सिनोनिम्स हैं, इन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद हम उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इमेंस का लफ्ज़ आया है, फ़िलहाल आप मुख्तसरन इतना जान लें कि इमेंस के मानी है बहुत बड़ा। इसके सिनोनिम्स इंग्लिश में क्या हो सकते हैं, आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ the text reading. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand. ये जुमला देखें कितना माइंड बॉगलिंग है, यानी जहन को कन्फ्यूज कर देने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स जो है, यानी नंबर से मुराद तादाद, वो कितनी हो सकती है इस कायनात में। तो सर जेम्स जींस कहते हैं कि गालिबन इस जो दुनिया के अंदर जितने भी साहिल समंदर हैं, सी शॉर्स, साहिल समंदर, उन पर पड़ी हुई रेत के ज़र्रात जो हैं, ग्रेन जो है वो ज़र्रे को कहते हैं, तो जितने भी साहिल समंदर हैं उन पर पड़ी हुई रेत के ज़र्रात जितने हैं, हम इन्हें इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा तादाद है। सच इज़ द लिटलनेस आवर होम इन स्पेस, कि खला के अंदर, स्पेस के अंदर हमारा जो घर है इतना छोटा है। यहाँ पे घर से मुराद क्या है जी, अर्थ है, यानी पूरी कायनात के मुकाबले में अर्थ जो है वो हमारा होम है, घर है। तो वो ये कह रहा है
या कह रहे हैं ज़्यादा बेहतर उर्दू के अतबार से ये होगा कि हमारा घर जो है यानी अर्थ प्लैनेट जो है इतना छोटा है व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। मेजर अप के मानी मेजर अप अगेंस्ट, ये फ्रेजल वर्ब है, इसके मानी है कंपेयर करना। तो जब आप कंपेयर करेंगे या कंपैरिजन करेंगे ज़मीन के साइज़ का या मैग्नीट्यूड का पूरी कायनात के मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमारा घर जो है इतना छोटा यानी हमारी ज़मीन इतनी छोटी नज़र आएगी। तो यूँ अज़ीज़ तलबा, ये हमारा पहला पैराग्राफ जो है वो ख़त्म हुआ। इसके हवाले से जो क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन का ज़िक्र जो है बोर्ड पर करने से पहले ये आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस तो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनको मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या जिसे अक्सर बुक्स में मोर शॉर्ट क्वेश्चंस के टाइटल के साथ या हेडिंग के साथ दिया गया, वो क्या हो सकते हैं, वो मैंने 5 लिखे हैं बोर्ड पे। उनमें से एक जो है वो पहले पैराग्राफ के मुतल्लिका है, इसकी तरफ हम तवज्जो देते हैं कि क्या है जी, कि हाउ डज सर जेम्स जीन्स डिस्क्राइब द इमेंसिटी ऑफ द नंबर एंड साइज ऑफ स्टार्स। ये इमेंसिटी का लफ्ज़ जो है ये मैंने जानबूझ के लिखा है, चूँकि इमेंस का लफ्ज़ आपके किताब के अंदर मौजूद है तो इसलिए ये आपकी वोकैबलरी का हिस्सा है। इमेंसिटी से मुराद है साइज का या तादाद का बहुत ज़्यादा होना। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सरसाइज के अलावा पहले पैराग्राफ से के लिहाज से ये हो सकता है कि सर जेम्स जीन्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि इस कायनात के अंदर स्टार्स का साइज़ जो है और नंबर यानी तादाद जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो पहले पैराग्राफ के अंदर इसका जवाब मौजूद है, ये आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार करना है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बताया गया है कि इतनी बड़े सितारे और इतनी बड़ी तादाद जो है सितारों की, वो स्पेस के अंदर या इस कायनात के अंदर कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे मूव कर रही है। लेट्स सी, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। कि ये जो लाखों करोड़ों की तादाद में सितारे हैं ये ज़मीन में घूम फिर रहे हैं। वॉन्डर के मानी घूमना फिरना, और अबाउट के मानी क्या हुए जी, इर्द गिर्द, इधर उधर। ये आपकी जो प्रेपोजिशंस हैं या एडवर्ब्स जो हैं इनके कुछ मानी तो इडियोमेटिक होते हैं और कुछ मानी इनके लिटरल या ज़ाती होते हैं। तो अबाउट जो है इन मानों में अक्सर औकात इस्तेमाल होता है इधर उधर। जैसे आप कहें कि ज़मीन पर या फर्श पर चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, तो आप कहेंगे कि द थिंग्स आर लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर, के फ्लोर पर यानी फर्श पर इधर उधर पड़ी हुई हैं। तब ये सितारे घूम रहे हैं जी स्पेस में, एक तो ये हुआ। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, कुछ सितारे, सारे नहीं, कुछ सितारे जो हैं ग्रुप की शक्ल में घूमते हैं। तो जो सितारे एक ग्रुप की या ग्रह की शक्ल में घूमते हैं उनको इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, और गैलेक्सी के लफ्ज़ से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और उर्दू में इसका मुतबादल जो है वो कहकशां है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स वॉन्डरिंग अबाउट इन द स्पेस इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। तो या तो वो गैलेक्सी की सूरत में घूमते हैं, विच जर्नी इन कंपनी, ये खुद भी सर जेम्स जीन्स ने वजाहत कर दी कि जो कि सफ़र कर रहे हैं। जर्नी का वर्ड जो है यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी सफ़र करना। इन कंपनी, इन कंपनी से मुराद है टुगेदर, इकट्ठे सफ़र करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर जो है अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। तो जुमले का मफहूम ये बना कि चंद एक ग्रुप्स की शक्ल में सफ़र करते हैं जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, और ज़्यादातर जो है अकेले खला में सफ़र कर रहे हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स सो इमेंस दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट इन डीड फॉर वन स्टार टू कम एनी वेयर नियर टू अनदर। कि ये सितारे जो हैं जिस कायनात के अंदर घूम रहे हैं वो इतनी बड़ी है, ये इमेंस का लफ्ज़ दोबारा आ गया, हम पहले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि इसके मानी है ह्यूज, साइज़ के एतबार से, डिग्री के एतबार से बहुत बड़ी कोई चीज़।
कि ये बड़ा ही रेयर है। रेयर को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा जी, कमयाब, ऐसा वाकया जो कभी कभी रूनमा होता हो। इंग्लिश में आप सेल्डम कह सकते हैं। फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर, कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आए। क्योंकि कायनात बहुत बड़ी है तो ये मुमकिन नहीं है, या इसका चांस बहुत कम है कि ये सितारे एक दूसरे के करीब आएँ। फॉर द मोस्ट पार्ट, फॉर द मोस्ट पार्ट एक इडियम है और आपके निसाब में इडियम भी शामिल हैं। तो फॉर द मोस्ट पार्ट मीन्स क्या जी, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। ई स्टार मेक्स इट्स वॉयज, वॉयज का लफ्ज आया जी, ट्रैवल, जर्नी और वॉयज एक ही मानी है जी, सफ़र। और वॉयज ख़ास तौर पे समंदरी सफ़र के लिए और स्पेस में जो सफ़र किया जाता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका इस्तेमाल जो है वो मेटाफोरिकली है, यानी इस तारा तन है जैसे कि वॉयज थ्रू लाइफ के, ज़िंदगी का सफ़र। तो इन ये सितारे जो हैं जर्नी करते हैं, यानी कि सफ़र करते हैं, या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वॉयज करते हैं, इन कम्प्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में। तो ये बात हम पीछे भी पढ़ा है। उसके बाद सितारे जो हैं, उसने तन्हाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो मतलब क्या हुआ कि एक सितारा और दूसरे सितारा जो है उनके दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा है। तो उस फासले को डिस्क्राइब करने के लिए सर जेम्स जीन्स जो हैं वो उस एक शिप की एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि लाइक ए शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, ओशन के मानी समंदर है, जैसे कि समंदर में एक खाली समंदर में एक शिप हो, जहाज हो। देखें समंदर कितना बड़ा है, तो पूरे समंदर पर सिर्फ एक जहाज़ जो है वो खड़ा हो, तो ऐसे आप समझ लें कि अकेला सितारा इस तरह का है। नेक्स्ट लाइन के अंदर सर जेम जी ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा स्पेसिफिकली इस बात की वजाहत करते हैं कि सितारों के दरमियान फासला कितना। इन अ स्केल मॉडल, कि अगर हम कोई एक मॉडल बनाएं, जिस तरह मैप बनता है इसी तरह सितारों का एक मॉडल बनाएं, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें हम यूँ जाहिर करें कि सितारे जो हैं वो शिप्स हैं। गोया सितारों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो क्या है जी, शिप्स हैं, यानी कि समंदरी जहाज़ हैं। द एवरेज शिप will be well over a million miles from its nearest neighbor. तो एक आम साइज का शिप जो है अपने करीब तरीन हमसाए से 10,00,000 मील से भी ज़्यादा होगा। तो इन अदर वर्ड्स, एक सितारे और दूसरे सितारे के दरमियान कम अज़ कम जो फासला है वो 10,00,000 मील से भी कहीं ज़्यादा है। ओवर के मानी ज़्यादा, और इससे पहले आपसे इंट्रोडक्ट से पहले वाले सेशन में हम ये बात कर चुके हैं कि इसके साथ वेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो 10,00,000 मील से ज़्यादा कह रहा है, ऐसा नहीं है कि 10,000, 1 मील, 2 मील या 10 मील, मतलब है कि कहीं ज़्यादा, कि 10,00,000 मील से भी कहीं ज़्यादा है एक सितारे और दूसरे सितारे के दरमियान में फासला। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एनी अनदर एनी वेयर नियर इट। इस बात से आप आसानी से समझ सकते हैं, इस जुमले का मफहूम यह है कि क्यों एक सितारा दूसरे सितारे के करीब कभी कभार ही आता है। यहाँ पर देखें सेल्डम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इससे मिलता जुलता लफ्ज जो है ऊपर रेयर इस्तेमाल हुआ है, तो सेल्डम का सिनोनिम रेयरली हो सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब क्यों नहीं आता। अब ये वाला जो पैराग्राफ है इस पर दो सवालात बन सकते हैं। एक सवाल तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, इसलिए मैंने उसको बोर्ड पे नहीं लिखा, जस्ट उसको एक्सरसाइज से रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सितारा कभी कभार ही किसी दूसरे सितारे के करीब आता है। तो इस पे एक क्वेश्चन जो है वो ये बनता है। इस क्वेश्चन के जवाब को अगर आप ज़रा तफसील से देंगे तो जो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इधर बोर्ड पे लिखा है वो भी इसमें कवर हो सकता है, लेकिन अगर आप कदरे मुख्तसर जवाब देंगे, कदरे मुख्तसर जवाब देंगे एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन का, तो हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और वो क्या है जी, How distant is an average star from its nearest star? Distance के मानी जो है जी दूर होना,
कि एक एवरेज स्टार जो है अपने करीब तरीन सितारे से कितना दूर है, हाउ डिस्टेंट के मानी क्या है जी, कितना दूर है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो यूं अजीज़ तलबा हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया। ये इस पैराग्राफ के अंदर हमने दो सवालात जो हैं उनका जिक्र किया, एक आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। फिर है जी थर्ड पैराग्राफ, और ये इस लेसन के जो दो बड़े पॉइंट्स हैं या क्रक्स है, एसेंस है इस लेसन का, उनमें से एक पॉइंट को का जिक्र कर रहा है। और वो पॉइंट क्या है जी कि कैसे हमारा निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम वजूद में आया। इसका मुख्तसर जायज़ा हम पहले वाले सेशन में ले चुके हैं, अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नाउ आई स्टार्ट रीडिंग आउट। वी बिलीव हाउएवर दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, के हमारे ख्याल में, देखिए बिलीव का एक मानी तो होता है इतकाद होना, जैसे हम कहते हैं कि वी बिलीव इन वन गॉड, कि हम मुसलमान जो हैं एक खुदा पर यकीन रखते हैं। तो दूसरा वाणी क्या होता है जी कि आपका ख्याल होना किसी मामले में, आपका क्या नुक्ते नज़र है, क्या ख्याल है, ये इसके दूसरे मानी है। और यहाँ पर ये इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है कि साइंस, वी से मुराद साइंसदान है, कि साइंसदानों का ये ख्याल है कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो, अब आप मल्टीप्लाई करके देख लें उर्दू में ये कितनी तादाद बनती है, तो अरबहा साल जो हैं वो बनेंगे। तो इतने अरबहा साल कबल क्या हुआ जी, ये रेयर इवेंट, दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस के मानी है किसी चीज़ का वाक़या होना। तो तीन लफ्ज़ जो हैं आपके जहन में वैसे ही रहने चाहिए किसी भी वाक्य के रूनमा होने को इंडिकेट करने के लिए। एक लफ्ज़ आपने अभी पढ़ लिया टेक प्लेस, ये फ्रेज़ है। दूसरा है हैपन, ये भी इधर आ जाएगा, एच ए डबल पी ई एन। और तीसरा अकर, ओ डबल सी यू आर। तो ये तीन लफ्ज़ किसी भी वाक्य के रूनमा होने के लिए इंग्लिश में अक्सर औकात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको चाहिए कि ये इनको फौरन, इन तीन अल्फाज को अपने जहन में महफूज कर लें, अगर इससे पहले ये आपकी वोकैबलरी का हिस्सा नहीं है। तो ये जो कभी कभार रूनमा होने वाला वाक्या है, ये रूनमा हो गया। कौन सा वाक्या? कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ गया, एंड दैट अनदर स्टार, के एक और सितारा वॉन्डरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस। ब्लाइंडली के मानी है जी रैशली, यानी बगैर सोचे समझे, अगर लफ्जी तर्जमा करें, ज़ाहिर है सितारा जो है वो सोचता तो नहीं है, इसको मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है, यानी एक सितारे को पर्सोनिफाई किया गया है, एक ज़िंदा बॉडी के तौर पर लिया गया है। तो वांडर के मानी घूमना फिरना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेकलेसली या रैशली, ब्लाइंडली के सिनोनिम्स जो हैं वो ये हो सकते हैं, खला में घूमते हुए हैपन टू कम नियर द सन, वो इत्तफाकन सूरज के करीब आ गया। तो अभी चंद मिनट कबल जो है मैंने हैपन का लफ्ज़ बोला था, तो हैपन के एक मानी क्या होते हैं, किसी वाक्य का रूनमा होना, और हैपन का एक दूसरा मानी है किसी चीज़ का इत्तफाकन रूनमा होना। यहाँ पर इसी दूसरे मानों में इस्तेमाल हुआ है कि किसी प्लानिंग के तहत नहीं, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, इत्तफाकन एक सितारा दूसरे हमारे सूरज के करीब आ गया। अब जब वो दूसरे वाला सितारा जो कि बड़ा है, यहाँ पे अगरचे बड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमें बता रहा है, या अगर हम इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस का तरीका इस्तेमाल करें, तो हमें पता चलेगा कि ये जो करीब आने वाला सितारा है ये सूरज के मुकाबले में बहुत बड़ा है। तब वो राइटर यानी सर जीम जीन्स क्या कह रहे हैं कि जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, कि जिस तरह सूरज और चांद जो हैं ज़मीन पर लहरें पैदा करते हैं, ये जो टाइड है ये वाटर लेवल को कहते हैं। उर्दू में लहर या मौज का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि ये वाटर का लेवल जो है किसी जगह पर क्या हो सकता है, उसके लिए टाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरह चांद और सूरज जो है ज़मीन पर टाइड्स पैदा करते हैं, यानी वाटर लेवल जो है उसको बुलंद कर देते हैं, और ये किस चीज़ का वाटर लेवल है जी, समंदर का, सी का। तो ये जो मद्दोजज़र है इसको
जिससे आप लोग सभी वाकिफ़ हैं, पहले वाले आपकी जो क्लासेज हैं उसमें इसके हवाले से आप पढ़ चुके हैं, उसकी तरफ इशारा है कि जिस तरह चांद और सूरज की कशिश से ज़मीन पर, और या मोर स्पेसिफिकली हम कहें कि ज़मीन पर मौजूद समंदर में पानी का लेवल बुलंद हो जाता है, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, कि ये जो दूसरा सितारा है इसने सूरज की सतह पर टाइड्स पैदा की, यानी सूरज की सतह पर जो मोल्टन मैटर मौजूद है, लावा मौजूद है, उसकी सतह बुलंद होती चली गई। जुमले के इस हिस्से से हमें पता चलता है कि ये जो दूसरा सितारा है ये सूरज के मुकाबले में साइज़ के अतबार से बहुत बड़ा था, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा थी, तो इसलिए उसने सन पर कि सन की सरफेस पे अपनी टाइड्स यानी लावे की टाइड्स जो हैं वो पैदा की। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विद द स्मॉल मैस ऑफ द मून रेजेज इन आवर ओशन, कि जो टाइड्स या लहरें या मौजें इस नए आने वाले करीब आने वाले सितारे ने समंदर नहीं बल्कि सूरज की सतह पर पैदा की, वो बहुत मुख्तलिफ थी उन लहरों से जो कि ज़मीन की सतह पर चांद और सूरज पैदा करते हैं। कैसे मुख्तलिफ थी जी, आगे इसका जिक्र है। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सन, इमेंस का लफ्ज़ देखें फिर आया, तो एक बहुत बड़ी जो टाइडल वेव है, देखें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक टाइडल है और एक वेव है, दोनों के मानी एक जैसे नहीं हैं। वेव तो जैसे आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं ना, ये जो एक लहर सी बनती है यूं करके, इसके क्रेस्ट और ट्रॉफ्स होते हैं, ये वेव है। और टाइड मैंने अभी बताया कि उसका लेवल जो है, लिक्विड का लेवल जो है उसको बुलंद किया, तो एक टाइडल वेव गोया जो सूरज की सतह पर मोल्टन मैटर है उसकी सतह बुलंद हुई, ये टाइड के माने टाइडल या टाइड के ज़िमन में ये बात आ गई। और वेव हमें बता रही है कि जब उस मैटर की सतह बुलंद हुई तो उसकी शक्ल कैसी थी, वेव की मानत थी, और वेव बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप साइंस में फिज़िक्स में ख़ास तौर पे पढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी इस तरह की टाइड जो कि वेव की शक्ल जो थी उसने सूरज की सतह पर सफ़र करना शुरू किया, गोया उसने बुलंद होना शुरू हुई, एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन सो हाई, यहाँ तक के उस लहर का यानी उस मोल्टन मैटर की लहर का साइज़ इतना बड़ा हो गया कि एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। फॉर्म के मानी बनाना आसान सा लफ्ज़ है, आप वाकिफ़ होंगे माउंटेन पहाड़ को कहते हैं, तो ये पहाड़ कितना बड़ा था, सो हाई, कि ये पहाड़ इतना बड़ा था दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम इसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। तो ये है वो हिस्सा जो हमें बता रहा है कि दो बातें हैं इसमें, कि जो ज़मीन की सतह पर टाइड्स पैदा होती हैं सूरज और चांद की कशिश की वजह से वो बहुत छोटी होती हैं, मिसाल के तौर पर समंदर का लेवल जो है वो कितना बुलंद हो जाता होगा, फ़र्ज़ हम कर लेते हैं कि 10 फीट जो है वो बुलंद हो जाता होगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और या चले 20 फीट लगा लें, तो इसको अगर आप कंपेयर करें इस साइज़ के साथ जो कि सर जेम्स जीन्स कह रहे हैं कि भाई ये माउंटेन इतना बड़ा था कि हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते, तो कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हाई हो ऊंचाई के अतबार से, हाइट के अतबार से, कि हमारे तसव्वुर से भी बाहर हो, तो उसके मुकाबले में आप देखें कि 10 फीट 20 फीट तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। तो एक बहुत बड़ा लावे का पहाड़ जो था वो तैयार हो गया। एज़ द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियर एंड नियर, तो ये जो काज ऑफ डिस्टर्बेंस किसकी तरफ इशारा है जी, इस नए आने वाले सितारे की तरफ इशारा, उसको जो है वो सर जेम्स जी कह रहे हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है यानी कि प्रॉब्लम पैदा हुई है सूरज की सतह पर, उस प्रॉब्लम की काज यानी वजह जो है ये नया आने वाला सितारा जो जो करीब आता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, कि ये जो पहाड़ जो है ये बुलंद से बुलंदतर होता चला गया। तो ये जो उर्दू में हमारे यहाँ जो है एक इस तरह के जुमले होते हैं कि जितना तेज़ भागोगे उतनी जल्दी मंजिल पर पहुँच जाओगे, ये जो इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं उसको जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्टाइल यही है जो यहाँ पर
इस्तेमाल किया गया है। मसलन जो अभी मैंने उर्दू का जुमला बोला है वो यूँ होगा, द फास्टर यू रन द सूनर यू रीच योर डेस्टिनेशन। यानी जुमले के शुरू में हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की दूसरी डिग्री इस्तेमाल करते हैं दोनों अतराफ में, और कोई मुनासिब टेंस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, कि वो जो पहाड़ था लावे का वो बुलंद से बुलंदतर होता चला गया। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगैन टू मूव अगेन, और ये जो दूसरे वाला सितारा कबल इसके के दूर जाता, इस इतनी ज़्यादा पावरफुल यानी कि उसकी ताकत अगर उर्दू में देखें तो इतनी यानी फोर्सफुल हो चुकी थी, दैट दिस माउंटेन वॉज टॉर्न टू पीसेस, कि ये जो माउंटेन है मोल्टन मैटर का या लावे का माउंटेन सूरज की सतह पर, ये क्या हुआ, ये टुकड़े टुकड़े हो गए। टेयर टू पीस होता है TEAR, ये टॉर्न जो है उसकी थर्ड फॉर्म है, इसके मानी होते हैं टुकड़े टुकड़े करना, कि ये टुकड़े टुकड़े हो गया। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और इसके छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो स्पेस में यानी खला में चले गए, या लफ्जी तर्जमा करें तो फेंक दिए गए। मुराद ये है कि वो टूट कर अलहदा हुए और खला में गिर गए, ये मफहूम है इसका, मैं कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। दी स्मॉल पीसेज हैव बिन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, एवर सिंस के मानी है कि उस लम्हे से लेकर अब तक, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उस वक़्त से लेकर अब तक। दे आर द प्लैनेट्स, ये वो सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, इनमें से कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, ऑफ विच उनमें से आर अर्थ इज़ वन, हमारी ज़मीन एक है। तो आप में से जिन जिन तालब इल्मों ने हमारा पहला सेशन इस लेसन के हवाले से वॉच किया होगा तो वो इस पूरे पैराग्राफ के हवाले से खासी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, तो मैंने सिर्फ उसका मफहूम आपके सामने पेश किया है। और इसमें क्या हुआ, कौन सी अहम बात हुई, कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कैसे वजूद में आया, तो यहाँ पर इसकी तफसील बयान की गई है। इस पैराग्राफ्स के हवाले से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा जी, आपकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं इस पैराग्राफ के मुतालिक अपने सवालात जो हैं मौजूद हैं, तो मैं रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वांडरिंग स्टार वांडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, के क्या वाकया रूनमा हुआ कि जब एक सितारा खला में घूमते हुए सूरज के करीब आया। तो अभी जो हमने पैरा पढ़ा है इसके शुरू की 3-4 लाइनें इस चीज़ की वजाहत कर रही हैं। दूसरा सवाल क्या है जी, What happened when the wandering star came near and near? दूसरा क्वेश्चन इसी पैरे से रिलेटेड क्या आता है, कि क्या हुआ जब ये घूमता हुआ सितारा और करीब आया। जो पहला सवाल है और दूसरा सवाल है ये आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पहले सवाल में सिर्फ इतना पूछा गया है कि क्या वाकया रूनमा हुआ जब एक सितारा सूरज के करीब आया, तो आपने ये बताना है कि सूरज की सतह पर एक टाइडल वेव जो है वो बुलंद हुई, जब वो और ज़्यादा करीब आया तो फिर क्या हुआ, फिर आपने बताना है कि जूँ जूँ वो करीब आया तो वो टाइडल वेव बुलंद से बुलंदतर होती चली गई, यहाँ तक कि उसने एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली और वो पहाड़ बाद में टुकड़ों में बट गया। और तीसरा क्वेश्चन है जो कि इसी ही पैरे से मुतल्लिक, आप देखें कि पैरा एक है और क्वेश्चन तादाद के अतबार से नंबर के अतबार से 3 है। What are planets and how did they come into existence? के planets यानी कि सैारे उर्दू के अतबार से, ये difference भी जहन में रखें, star जो है वो सितारा है और planet जो है वो सैारा है, तो star और planet में difference है, तो उर्दू में भी इसी तरह फ़र्क तर्जमे में मौजूद है कि हमारा सोलर सिस्टम या प्लैनेटरी सिस्टम किस तरह वजूद में आया, ये तीसरा सवाल है। ये तीनों के तीनों सवालात
आप देखें कि इस ही एक पैरे से मुतल्लिका हैं जो अभी हमने पढ़ा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैराग्राफ हमारे लिए कितना अहम है। ये जो तीसरा सवाल मैंने रीड आउट किया है, ये बाज़ुकात यूं भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि हाउ डिड आर प्लैनेटरी सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस, या दूसरा तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हाउ डिड आर सोलर सिस्टम कम इनटू एग्जिस्टेंस वगैरह वगैरह। अल्फाज बदल सकते हैं लेकिन मफहूम यही है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा मैं फोर्थ पैराग्राफ की तरफ जो है वो आ रहा हूँ। ये भी बहुत अहम है, जैसा कि शुरू में कहा कि इस लेसन के दो बुनियादी पॉइंट्स हैं और भी ज़ाहिर हैं जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जो दो बड़े बुनियादी पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट का तो हमने तीसरे पैराग्राफ में पढ़ लिया। इसके अंदर जो फोर्थ पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें ये बताया गया है कि सोलर सिस्टम के वजूद में आने के बाद कैसे साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो ये इंतहाई अहम है, मैं इसको पढ़ता हूँ। अब फोर्थ पैराग्राफ है, द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, के सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान पर देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, और हॉट आप सभी जानते हैं गर्म। इसमें ये जो फ्रेज़ है इन द स्काई, आप इसकी तरफ तवज्जो दें अगर पहले आपके इल्म में नहीं है। उर्दू में हम कहते हैं आसमान पर, लेकिन आप इंग्लिश में देखें क्या है जी, इन द स्काई, आसमान में। तो आपको 15 मार्क्स की उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आनी है, तो उसमें हो सकता है कोई एक जुमला आ जाए कि परिंदे आसमान पर उड़ रहे थे, या एक बहुत बड़ा जहाज़ आसमान पर उड़ रहा था। तो अब आप देखें ये जो पर का आपने तर्जमा करना है वो ऑन नहीं करना या एट नहीं करना बल्कि इन करना है। तो बहरहाल ये दरमियान में आपकी ग्रामर या वोकैबुलरी से रिलेटेड एक बात आ गई, लेकिन जो बात कही गई है वो ये है कि सूरज या इस जैसे और जितने भी सितारे हैं, चाहे सूरज से छोटे हों बड़े हों, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट हैं। फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, कि ये सितारे इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी उन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी वजूद पजीर नहीं हो सकती। तो हम जानते हैं कि किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए कुछ मुनासिब फ़िज़िकल कंडीशंस की ज़रूरत है। तो अगर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होगा तो वो हम ज़िंदगी के लिए एग्जिस्ट करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये बात वो कह रहे हैं सर जेम्स जीन कि किसी भी सितारे पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, वजह उसका बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेज ऑफ द सन वेन दे वर फर्स्ट थ्रोन आउट, तो लॉजिकली बात यह है कि सूरज से अलहदा होने वाले ये टुकड़े हैं जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, ये भी शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा गर्म थे, इनमें हीट की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली के मानी क्या है, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, ये सितारे जो हैं वो ठंडे पड़ते गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, यहाँ तक के इनकी अपनी हीट जो है, यानी जब ये सूरज से जुदा हुए तो कितनी हीट थी, ये इनके अंदर कितनी हीट मौजूद थी, वो अब बहुत कम बच चुकी है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोज डाउन ऑन देम, यहाँ पर जो साइंस के तालिब इल्म हैं यानी FSC के, वो तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर जो दर्जा हरारत है या रोशनी है, और इसी तरह बकिया सैयारों पर जो इस हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, वो किसकी वजह से वहाँ पर रोशनी या हरारत है, वो है जी सूरज की रोशनी की वजह से, जिसको वो रेडिएशन कहते हैं, यानी सूरज से जो रेडिएशन होती है हरारत की, हीट की, यानी इमिशन, रेडिएशन से यहाँ पर मुराद वो एटॉमिक रेडिएशन नहीं है, यानी एटम बॉम्ब के नतीजे में जो रेडिएशन होती है वो नहीं, बल्कि यहाँ पर मुराद है इमिशन ऑफ हीट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रेडिएशन मीन्स इमिशन ऑफ हीट, के जो वार्मथ या हीट सूरज से निकल रही है
वो मुसलसल इन सैारों पर गिर रही है। ये जो गिरने का लफ्ज़ जो है ये मैंने लफ्ज़ी तर्जमा किया है पोर का, POUR। ये आप किसी लिक्विड को जब उंडेलते हैं ये लफ्ज़ी माने हैं, तो ऑब्वियसली सर जेम जीन्स ने पोर का लफ्ज़ जो है POUR ये मेटाफोरिकली यानी इस्तारतन इस्तेमाल किया है कि वहाँ से ये हरारत फूट रही है और उसके नतीजे में हमारी ज़मीन और बकिया सैारे जो हैं वो रोशन भी हैं और उनके फासले के मुताबिक उन पर हीट यानी हरारत मौजूद है। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ, इनमें से एक जो सैारा था या टुकड़ा था जो कि कूल हो रहा था यानी ठंडा हो रहा था, उसने जिंदगी को जन्म दिया। गिव बर्थ होता है जी जन्म देना, बेयर BEAR। वी डू नॉट नो हाउ व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड। अब ये वाली लाइन जो है इल्मी नुक्ता नज़र से, फिक्री नुक्ता नज़र से अहम है कि ठीक है साइंसदानों का ये ख्याल है, ये एक हाइपोथेसिस है कि भाई हमारे ज़मीन पर ज़िंदगी ऐसे वजूद में आई, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं जानते हाउ के कैसे, व्हेन, कब और क्यों ये सारा वाकया रूनमा हुआ, यानी ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ का वाकया कब कैसे और क्यों हुआ ये उन्हें नहीं पता, या यूं कह लें कि साइंस की अब तक की तहकीक और इल्म के मुताबिक हमें इल्म नहीं है, मजहबी नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि साइंस के नुक्ता नज़र से हमें इल्म नहीं है कि ज़िंदगी के आगाज़ का इतना बड़ा वाकया कब कैसे और क्यों रूनमा हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। बहरहाल साइंसदानों का ये ख्याल है कि ज़िंदगी का आगाज़ सिंपल ऑर्गेनिजम्स की सूरत में हुआ, ऑर्गेनिजम्स लिविंग बॉडीज़, और सिंपल से मुराद है कि वो सिंगल सेल्ड थे। इंसान जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं यानी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है, तो शुरू में ये सिंगल सेल्ड लिविंग बॉडीज़ पर मुश्तमिल थी ज़िंदगी, या उर्दू में अगर कहें थोड़ा सा मुश्किल तर्जमा, यक खलवी जानदार जो हैं उनकी सूरत में ज़िंदगी रूनमा हुई, जैसे अमीबा और पैरामीसियम हैं, हुज लिविंग पार्ट कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, कि जिनके ज़िंदा रहने की जो पार है यानी कैपेसिटी है, सलाहियत है, ताकत है, वो किस बात पर मुश्तमिल थी, कंसिस्ट के इन के मानिए होता है जी मुजमिर होना, मौजूद होना, कि वो मरने से पहले, बिफोर डाइंग, मरने से पहले ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थी ये अपने जैसे मज़ीद कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देते थे। तो जिस तरह हम देखते हैं कि इंसान जो है अमूमी तौर पर अपने जैसे अफराद जो हैं वो पैदा करता है, ज़ाहिर है किसी के एक बच्चा होगा, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म जो हैं ये भी मरने से पहले अपने जैसी कम से कम एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा करके मरते। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, हम्बल ऑर्डनरी मामूली, और बिगिनिंग्स आप जानते हैं आगाज़ को कहते हैं, लेकिन इस लफ्ज़ की तरफ ज़रा तवज्जो दें स्पेलिंग्स के एतबार से, तो बिगिन के अंदर एक एन है, जब आप इसके साथ ING का इजाफा करेंगे तो ये एन डबल हो जाएगा। अक्सर तालिब इल्म इसके स्पेलिंग्स के हवाले से गलती करते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि इस मामूली से आगाज़ है, यानी आगाज़ क्या है जी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो इस मामूली आगाज़ से क्या हुआ जी, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, कि ज़िंदगी की एक ऐसी लहर चली जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होती चलेगी, कॉम्प्लेक्स होती चली। तो बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ये मल्टीपल और सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में बदलते चले गए, और ये कॉम्प्लेक्सिटी दिन ब दिन या वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली गई। तो ये इशारा अगर पहले भी ज़िक्र हुआ कि ये इवोल्यूशन की तरफ है, यानी इर्तकाई मराहल की तरफ है, कि ये ज़िंदगी का जो मामूली सा आगाज़ था, आम सा आगाज़ था, ये वक्त गुजरने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा होता चला गया। पेचीदा के क्या मानी है ये अभी मैंने बता दिया, हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस बींग्स,
और इसके इख्तिताम पर, ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है या इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसके इख्तिताम पर क्या हुआ, एक ऐसी बीइंग यानी जिंदा जिस्म जो है या जिंदा अजसाम वजूद में है। इशारा किसकी तरफ है जी, इंसानों की तरफ, मेरे और आप जैसे इंसानों की तरफ, कि इस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के नतीजे में कुछ ऐसी हस्तियां वजूद में आईं। तो यहाँ से जो जुमले का नेक्स्ट पार्ट है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि ये पार्ट एक तरह से इनडायरेक्टली हमें ये बता रहा है कि सर जेम्स जीन्स की नज़र में इंसान की डेफिनेशन क्या है। ज़ाहिर है इंसान को डिफ़ाइन करना मुश्किल इस लिहाज से है कि सारी इस कायनात के अंदर जो इंसान मौजूद हैं वो सारे के सारे एक डेफिनेशन पर मुत्तफिक नहीं हैं। जो मजहबी नुक्ता नज़र है वो अलग है, फ़लसफियाना नुक्ता नज़र अलग है, साइंसी या बायोलॉजिकल नुक्ता नज़र अलग है, एथीस्टिक नुक्ता नज़र अलग है, वगैरह वगैरह आप एग्ज़ाम्पल्स देते जाएं। तो साइंसदान होने के साथ साथ, या बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि साइंसदान होने के बावजूद, जो सर जेम्स जीन्स ने इंसान की डेफिनेशन कह लें या उसकी नुमायाँ खसूसियात जो बयान की हैं इस जुमले के बकिया हिस्से में, वो काबिल गौर भी हैं, काबिल फ़िक्र भी हैं, यानी फूड फॉर थाट है। आप इन पर सोचें, मैं रीड आउट करता हूँ कि हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, कि इंसान कैसी मखलूक है, कैसी हस्ती है कि इसकी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर जो है, लार्जली से क्या मुराद है जी, मोस्टली ज़्यादातर, टू अ लार्ज एक्सटेंट, ज़्यादा बेहतर इंग्लिश में इसका सिनोनिम क्या होगा, टू अ लार्ज एक्सटेंट, कि काफ़ी हद तक इसका मरकज़ व महवर, यानी सेंटर के मानी आप सभी जानते हैं मरकज़ होना क्या है जी, उसकी फीलिंग्स हैं यानी जज्बात एहसासात हैं, एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात हैं। हम अपनी ज़िंदगी में से, यानी इंसान की ज़िंदगी में से जज्बात एहसासात और ख्वाहिशात को निकाल दें तो ज़िंदगी कैसे होगी, इसको ज़रा अपने मुख्तलिफ लेसन जो आप पढ़ चुके हैं पार्ट वन में उनके तनाजुर में देखें। तो आपकी बुक थर्ड में विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में क्रीटन क्या कहता है, वो कहता है कि हम जज्बात से आरी मखलूक हैं उसके सयारे के अंदर, और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग है। तो हमारी ज़िंदगी का रंग रूप, दिलचस्पी, हुस्न और ख़ूबसूरती हमारे जज्बातों, एहसासात और ख्वाहिशों की बुनियाद पर है। अगर ये डिलीट कर दी जाए, जिस तरह कंप्यूटर से या किसी भी हार्डवेयर से डेटा डिलीट कर दिया जाता है, तो हमारी मेमोरी से या माइंड में से ये चीज़ डिलीट कर दी जाए तो फिर क्या होगा, ह्यूमन लाइफ जो है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी, इंसिपिड हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी। तो इंसान की एक बड़ी खसूसियत क्या है कि ये जज्बातों एहसासात का मंबाओ महवर है। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, ये एक और चीज़ देखें जो आपको इंसान के अलावा बकिया मखलूकात में अव्वल तो मिलेगी नहीं, या अगर मिलती है तो थोड़ी बहुत हमें परिंदों के यहाँ मिलती है। हम सारे लोग सोशल मीडिया के अब आदि हो चुके हैं, बल्कि हमें एक तरह का नशा हो चुका है। तो सोशल मीडिया पर परिंदों के हवाले से आप देखें तो वो कैसे अपने घोंसले बनाते हैं, कितनी खूबसूरती से उसको अरेंज करते हैं, इस तरह की वीडियो क्लिप्स आप देख चुके होंगे। तो परिंदों को छोड़कर आप किसी भी और जानदार के अंदर, इंसान के अलावा, आपको सेंस ऑफ ब्यूटी नहीं मिलेगा, जिसे हम कहते हैं जी जमालियाती ज़ौक, अगर उर्दू में कहें, और इंग्लिश में इसका मुतबादल हो सकता है एस्थेटिक सेंस, कि इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसके अंदर हुस्न का, खूबसूरती का एहसास जो है वो बदरजाए अथम पाया जाता है। और एस्थेटिक्स को अगर आप फिलोसॉफिकली देखें तो एक गालिब नुक्ता नज़र ये है कि इंसान का जो एस्थेटिक सेंस है वो उसके रूहानी वजूद से मुतलक है। बहरहाल ये महज़ आपके सोच और फिक्र के लिए मैंने चंद बातें की हैं, इसका आपके एग्ज़ाम के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसकी एक नुमायाँ खसूसियत उसका ज़ौक़ जमाल है। एंड द रिलीजन्स, और इंसान एक वाहद मखलूक है जिसका कोई मज़हब भी है। बकिया मखलूकात जो हैं उनका आप देखें कि उनका कोई मज़हब नहीं होता, यानी उनमें लड़ाइयाँ, दंगा फसाद अगर आप कह लें मेटाफोरिकली, तो वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं, उसकी और बुनियादें हैं वो हो सकता है, लेकिन इंसान जो है उसकी ज़िंदगी की खूबसूरती भी
मज़हब की बुनियाद पर है, और बाज़ बदसूरतियाँ भी बदकिस्मती से मज़हब की बुनियाद पर ही हैं, क्योंकि हम लोग इस खूबसूरत चीज़ यानी मज़हब को गलत इस्तेमाल करते हैं। इन विच लाइक देयर हाइएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स। तो मज़हब की देखें क्या करैक्टरिस्टिक बयान की है सर जेम्स जीन्स ने, कि मज़हब क्या एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान की आला तरीन ख्वाहिशात और डिज़ायर्स यानी के ख्वाहिशें जो हैं वो मौजूद हैं। हमारी तमाम उम्मीदें, तमाम ख्वाहिशें जो आला तरीन हैं, ये मामूली घटिया सिर्फ मादी ज़िंदगी पर मुश्तमिल ख्वाहिशें नहीं हैं कि हमारे पास भाई बड़ा बंगला हो, कार हो, या इस तरह की चीज़ें हो। नो, इंसान की जो आला तरीन अखलाकी और रूहानी ख्वाहिशात का मंबा और महवर क्या है जी, मज़हब है। तो यूँ अज़ीज़ तलबा, ये एक पैराग्राफ जो है और ख़त्म हुआ, और मैंने शुरू में कह चुका हूँ कि ये इंतहाई अहम पैराग्राफ है। तो इसके हवाले से क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप अपनी एक्सरसाइज को देखें तो इस पर क्वेश्चन नंबर 6 है जी, के राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, के इस पर नोट लिखें कि ज़मीन पर ज़िंदगी किस तरह वजूद में आई। तो इसका ज़िक्र हमने तफसील से पढ़ा, और एक और क्वेश्चन जो है, जो कि पांचवा क्वेश्चन है, इस ही पैरे से रिलेटेड हो सकता है, कि वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, के सितारों पर ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है। तो इन दोनों सवालात का ज़िक्र जो है, या यूँ कहना चाहिए जवाब जो है, वो आपको इस पैरे के अंदर मिलेगा। तो ये अब तक हमने 4 पैराग्राफ्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हम जो हैं वो 5th पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ जो है वो बड़ा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वही जो है मैं रीड आउट करूँगा। तो इसमें आप, अगर आपके पास बुक यकीनन ज़ाहरा होगी, तो इसमें आप देखें कि इस पैरे का आगाज़ जो है वो ऑल्दो से होता है, कि ऑल्दो वी कैनॉट स्पीक विद एनी सर्टेंटी, सर्टेंटी कहते हैं यकीन को, कि अगरचे हम बहुत ज़्यादा यकीन के साथ नहीं कह सकते, इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच एज दिस, इन सम सच वे एज दिस, के जो नौए इंसानी है किसी इस ही जैसे तरीके से वजूद में आई। गोया नौए इंसानी का वजूद में आना जो है, जो साइंसदान कह रहे हैं, इसके हवाले से वो हतमी तौर पर कोई बात नहीं कह सकते, उनका ख्याल है, एक अंदाज़ा है जिसकी कोई ज़ाहिर है साइंटिफिक बेसिस हैं, लेकिन जो भी हैं उसमें फाइनैलिटी नहीं है। तो इंसानी ज़िंदगी कुछ इस तरह से वजूद में आई। फिर वो कहते हैं कि स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड रेत का ज़रा, कि अपने इस छोटे से रेत के ज़रे पर खड़ा होकर, ये इशारा किसकी तरफ है जी, ज़मीन की तरफ, कि ज़मीन बकिया कायनात के मुकाबले में एक रेत के ज़र्रे से ज़्यादा नहीं है अपने साइज़ के एतबार से। वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, कि हम इस कायनात की नौइयत को जानने की कोशिश करते हैं। देखें, आपसे शुरू में भी कहा था इंट्रोडक्टरी सेशन में, कि इंसानी इल्म का सबसे बड़ा ही सवाल ये है, चाहे वो साइंस है, फ़लसफा है, मज़हब है, कि ये कायनात क्या है। तो हम जो है इस कायनात की नेचर को यानी नौइयत को जानने की कोशिश करते हैं, एंड पर्पस ऑफ, ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन जो है कि इसका मकसद क्या है, गोया ये ज़िंदगी क्या है और इसका इख्तिताम जो है वो कैसे होगा और इख्तिताम के बाद क्या होगा। ये जो इस तरह के सवालात हैं, ये इंसानी इल्म के बड़े ही बुनियादी सवालात हैं, और कोई शोबा इल्म ऐसा नहीं है जो अल्टीमेटली इस सवाल का जवाब देने की कोशिश ना करता हो। ये बात आप इल्मी नुक्ता नज़र से ज़हन में रखें। और ये कायनात कौन सी है, विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम, कि हमारी कायनात जो है जिन असूलों कवानीन पर कायम है, उनमें से दो बड़े अहम हैं, एक स्पेस है और एक टाइम है। अगर आप उर्दू में इसका तर्जमा करें तो कहते हैं ज़मानो मकान, ज़मान जो है वो टाइम के लिए और स्पेस जो है वो मकान के लिए। तो ये जो मकान वो नहीं है जिसमें हम रहते हैं, बल्कि जगह के लिए है। तो इंसान का जो इदराक है
उसकी दो नमाया खसूसियात ये हैं कि वो हमेशा स्पेस और टाइम पर मुश्तमिल होता है। हम इस स्पेस और टाइम का जो दायरा है, अगर मेटाफोरिकली कह सकें, इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगरचे सूफिया वगैरह का दावा है कि वो इस सर्कल को तोड़ लेते हैं अपने रूहानी सफ़र के दौरान, वो एक अलहदा मौजू है, महज आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने इशारा सा कर दिया, लेकिन अमूमी तौर पर हमारी कोई भी परसेप्शन जो है वो टाइम और स्पेस से बालातर नहीं होती। तो इसी बात का जिक्र सर जेम्स जीन्स कर रहे हैं। आर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, ये जो ऊपर की दो तीन लाइनें हैं, इसके बाद अब इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम लाइन्स आ रही हैं कि जब हम इस कायनात को देखते हैं तो हमारी पहली फीलिंग क्या है, ये फियर की है, खौफ की है। तो इस पर आपकी एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल मौजूद है, वो हम इस पैराग्राफ के आखिर पे पढ़ेंगे। तो ये अहम है, ये खौफ किस वजह से है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग खौफनाक, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेज, चूँकि इसके अंदर जो डिस्टेंसेज हैं यानी स्ट्रेच ऑफ स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा है, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हम समझ नहीं सकते, जो हमारी समझ में नहीं आती। तो आप इस लाइन को पढ़ते हुए इसी लेसन का पहला पैराग्राफ जो है उसको रिकॉल करें, अपनी मेमोरी में रिफ़्रेश करें कि इस कायनात के अंदर डिस्टेंसेस जो हैं कितने बड़े हो सकते हैं या हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट, कि ये कायनात हमारे लिए खौफनाक है कि यहाँ पर जो स्ट्रेच ऑफ टाइम है यानी टाइम टाइम का वक्त का फैलाव इतना ज़्यादा है, दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अगेन आप रिकॉल करें तो इंट्रोडक्टरी सेशन में आपसे कहा गया था कि इस पूरी कायनात कब से वजूद में आई है, उस वक्त का आप कंपैरिजन करें उस वक्त के साथ जब से हमारा प्लैनेटरी सिस्टम या सोलर सिस्टम वजूद में आया, और फिर उसके बाद ज़मीन पर ज़िंदगी वजूद में आई है, उस टाइम का पूरी कायनात के वजूद पजीर होने वाले टाइम के साथ कंपैरिजन करें तो हार्डली चंद मिनट्स जो हैं वो बनते हैं साइंसदानों के हिसाब से। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, कि इसका मुकाबला यानी ज़मीन के टाइम का मुकाबला, जब से ज़मीन और ज़िंदगी वजूद में आई है, आप पूरी कायनात के वजूद में आने के वाले टाइम के साथ करें तो क्या बनेगा, कि पूरी इंसानी तारीख बहुत मुख्तसर सी लगती है। तो ये खौफ की एक वजह ये भी है, और क्या वजह है जी, फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, कि ये हमारे लिए खौफनाक है ये पूरी कायनात कि हम बिल्कुल तन्हा हैं, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा और लोनलीनेस तन्हाई, कि हम बिल्कुल तन्हा हैं। अब ये तन्हाई के क्या मानी है, बाद में आने वाली लाइनों में जिक्र है, वो लाइनें मैं छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कि साइंसदानों के अब तक के इल्म के मुताबिक जिस तरह की ज़िंदगी ज़मीन पर मौजूद है, इस तरह की और ज़िंदगी हमें पूरी कायनात में नज़र नहीं आती। इस तरह की करैक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स वाली बीइंग्स जो हैं वो सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर ही मौजूद हैं, किसी और जगह पर हमें नज़र या नहीं आती, हमारे मुशाहदे में नहीं आई। तो इस बात से हमें बहुत ज़्यादा खौफ का एहसास होता है और हम महसूस करते हैं कि इतनी बड़े कायनात में हम तन्हा हैं। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस आर होम इन स्पेस, को इस स्पेस के अंदर हमारा जो घर है, जो ज़मीन है, वो बहुत छोटी है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारी ज़मीन पूरी कायनात के मुकाबले में एक रेत के ज़र्रे से भी कम है साइज़ के अतबार से। बल्कि यहाँ पर जो उसने फ्रेजेज इस्तेमाल किए हैं सर जेम्स जीन्स ने, वो तो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। क्या कह रहे हैं, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड, कि एक रेत के ज़र्रे का 10,00,000वां हिस्सा जो है बनता है ज़मीन। अब ये जो रेत के ज़र्रे का 10,00,000वां हिस्सा ग़ालिबन एटम से भी छोटा होगा, मैं चूंकि साइंस का तालिब इल्म नहीं हूँ, कुछ यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह दें कि एक एटम के साइज़ जितना होगा या उससे भी कम बनता है ज़मीन का साइज़। तो इससे ऑब्वियसली हमारे जहन में जो है वो एक खौफ का एहसास पैदा होता है। तो इस पैरे का बकिया हिस्सा जो है अज़ीज़ तलबा मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम बात नहीं है। जितना हिस्सा हमने पढ़ा है इस पे क्वेश्चन
क्या बन सकता है वो मैं आपकी एक्सरसाइज से रीड आउट करता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है जी, व्हाई इज़ द यूनिवर्स, कि ये कायनात जो है ऑफ विच आर अर्थ इज़ अ पार्ट, जिसका एक हिस्सा हमारी ज़मीन है, सो फ्राइटनिंग, कि ये हमारे लिए इतनी खौफ का बायस क्यों है। गिव एज मैनी रीजन एज यू कैन, जितनी आप वजूहात बयान कर सकें आप कर सकते हैं। तो ये जो है वो क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ पर जो अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद वाला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ बनेगा आज के सेशन का। वैसे तो दो पैराग्राफ्स पढ़े हुए हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया है वो इस पैराग्राफ में ख़त्म हो जाएगा। और वो ये है कि ज़मीन के अलावा दूसरी जगहों पर ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉजिकल क्वेश्चन है कि ज़मीन पर जैसी ज़िंदगी के वजूद में आने के लिए किन किन फिज़िकल कंडीशंस की ज़रूरत है, और स्पेस के अंदर आया वो कंडीशंस मौजूद हैं कि नहीं हैं। तो ये जो बकिया दो पैराग्राफ्स हैं इसके कुछ हिस्से जो हैं मैं पढ़ूंगा, उसमें इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो पहली लाइन है नेक्स्ट पैराग्राफ की, द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, कि इस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए, ज़मीन सॉरी ज़िंदगी के वजूद में आने के लिए जो सितारे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, ये हम पीछे पढ़ आए हैं कि वो तो बिल्कुल आग की तरह है। दोबारा जो है सर जेम जीन्स जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, कि हम समझ सकते हैं कि ये एक आग का एक मजमूआ है या गोला कह लें उर्दू के एतबार से, जो कि स्पेस में फैले हुए हैं। वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 degrees अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो जो स्टार्स हैं वो तो बहुत गर्म हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ सेंटीग्रेड्स इनका दर्जा हरारत बनता है, तो वहाँ पर भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इन स्टार से दूर चले जाएंगे तो खला हमें मिलता है, एम्प्टी स्पेस मिलता है। तो एम्प्टी स्पेस में दर्जा हरारत क्या है जी, तो सर जेम जीन्स कह रहे हैं कि 4 degrees अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से सिर्फ 4 degree ज़्यादा है। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है उन्होंने खुद ही बता दिया, दैट इज़ अबाउट 484 degrees ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो आप सभी जानते हैं कि दो स्केल्स हैं, एक सेंटीग्रेड की बनती है और एक फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर ये 484 जो है फ्रॉस्ट, अगर फ्रॉस्ट का मुतबादल अगर आप सेंटीग्रेड में देखें तो वो क्या बनता है जी, माइनस जो है, तो इतना दर्जा हरारत मौजूद है। तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये होगा कि ना सितारों पर ज़िंदगी हो सकती है चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ना सितारों से दूर कहीं ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है कि दर्जा हरारत बहुत कम है, तो फिर ज़िंदगी कहाँ पर हो सकती है, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। गोया इस पैराग्राफ की बकिया कुछ लाइनें मैंने छोड़ दी हैं, अब मैं आखिरी पैराग्राफ से इस सवाल का जवाब पढ़ूंगा कि ज़िंदगी के वजूद पजीर होने के लिए किन फिज़िकल कंडीशंस की ज़रूरत है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट, कि ज़िंदगी जो है वो एक छोटे से नैरो तंग से बेल्ट में, यहाँ पे बेल्ट से मुराद वो नहीं है जो हम अपनी पैंट्स के साथ लगाते हैं, बल्कि है जी एरिया, जोन, रीजन, कि एक तंग से रीजन में और सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस, फायर्स से इशारा स्टार्स की तरफ है और हमारा सितारा ज़ाहिर सूरज है, कि उसने स्टार्स को फायर से तशबीह दी है, कि जो कि इन स्टार्स के इर्द गिर्द ख़ास फासले पर, और वो ख़ास फासला क्या हो सकता है, वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, कि आपका टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा सर्द हो। क्या मतलब, कि ना इतना ज़्यादा हो कि चीज़ें जो हैं वो भाप बनकर उड़ जाएं। ऊपर जो हमने कुछ लाइनें छोड़ी हैं उसमें लिक्विड का जिक्र है, कि जहाँ पर लिक्विड जो है वो भाप बन के ना उड़ जाए, और बिल्कुल इसी तरह वो दर्जा हरारत इतना कम भी ना हो कि लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में बदल जाए। इन अदर वर्ड्स, साइंटिफिकली हमें एक ऐसे इलाके की, रीजन की, एरिया की या बेल्ट की ज़रूरत है जहाँ पर दर्जा हरारत इस तरह का हो कि जो लिक्विड स्टेट में चीज़ें हैं वो वेपर्स में ना बदल जाएं,
और ना ही वो सॉलिड स्टेट में बदल जाएं। इस तरह के रीजन्स जो हैं इस कायनात में जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो बहुत ही कम है। और यूं अजीज़ तलबा हमारा ये लेसन जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। जितना अब हमने दो पैराग्राफ्स के आखिरी दो पैराग्राफ्स के हिस्से पढ़े हैं उन पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपकी क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है जिसको मैं रीड आउट करता हूँ। What in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? के वो किन conditions की हालात की ज़रूरत है जिनके तहत उस तरह की ज़िंदगी वजूद पजीर हो सकती है जो हमें ज़मीन पर नज़र आती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन एक दो और बन सकते हैं, वो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, मैं रीड आउट करता हूँ कि why is life not possible on stars? मुख्तलिफ अल्फाज के साथ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मैंने दोबारा लिख दिया। हाउ कोल्ड इज़ द स्पेस अवे फ्राम द स्टार्स? ये हमने पढ़ लिया कि जो हमारे जितने भी सितारे हैं इनसे दूर जब हम चला जाएं तो स्पेस इतना कोल्ड है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से सिर्फ 4 डिग्रीज अबव है। तो ये आपने यहाँ पर जवाब। और आखिरी क्या है जी, विच सॉर्ट ऑफ जोन इन स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट? कि वो किस तरह का एरिया होना चाहिए जो कि स्पेस के अंदर जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो वो आप देखें कि ये जो मैंने लाइन पढ़ी थी आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन, उसमें इसका जवाब मौजूद है। तो यूं अजीज़ तलबा हमने इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स को रीड आउट कर लिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हम इस लेसन के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, उनकी थोड़ी बहुत वजाहत कर पाएँ। तो उसकी तरफ अब हम चलते हैं। अज़ीज़ तलबा, इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स पढ़ने के बाद अब हम अपने लेसन नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वोकैबुलरी के एतबार से उन पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हैं। ये अल्फाज जो वोकैबुलरी के आपके सामने लिखे गए हैं इनमें से मैंने वो चूज़ किए हैं, ये अल्फाज वो हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं हैं। एक्सरसाइज के में भी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनकी वजाहत वहाँ पर मौजूद है, तो उनको मैंने शामिल नहीं किया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं उनको यहाँ पर मुंतखब किया गया है। और आपसे बारहा कहा जा चुका है कि वोकैबुलरी आपके लिए इंतहाई अहम है कई एतबार से, और उसकी वजाहत भी हो चुकी, तो आप इस बात को जहन में रखें। अब हम इन लफ्ज़ों को देखते हैं। पहला लफ्ज़ जो है वोकैबुलरी में वो इमेंस है, IMMENSE। ये एक दिलचस्प बात यह है अजीज़ तलबा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी, कि जो नसाब में आपके लेसन शामिल हैं उनकी सिलेक्शन में या तो उन्होंने अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली एक ऐसी काम किया है कि कुछ अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हों। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मुराद के 12 बार मुख्तलिफ लेसन्स में वो रिपीट होते रहते। पार्ट 1 में अगर हम एक लफ्ज़ की बात करें जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है और मैं अपने तालिबे इल्मों से अक्सर कहता हूँ, वो स्टेयर है, STARE।